सच की आवाज को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए कितने आप ताने बाने बुनते हैं। कितना अच्छा हो, यही सुंदरता अंत्यकरण में आ जाए, यही खूबसूरती आपके विचारों में हो, आपके दिलो दिमाग में हो, यकीन मानिए फिर आपका वो श्रृंगार होगा जो अल्लाह वाहेगुरु राम पिया को मंजूर होगा। लेकिन आप तो उलझे हुए हैं छोटी छोटी चीजों पे, कहां अल्लाह वाहेगुरु राम और कहां दुनिया के हवश, कहां दुनिया का साजो सामान। अगर उसके लिए सजना है, हम ये नहीं कहते कि दुनिया में रुलते फिरो, अच्छे कपड़े पहनो, बढ़िया अपनी संभाल करो, नहाओ धो, जो मर्जी करो, लेकिन अगर प्यार उससे करना है तो फिर निगाह में दूसरा आने ना पाए। ये निगाह जब देखे तो उसको देखे और बंद कर ले तो अपने में समेट ले। आंखों में एक कण पड़ जाता है ना, सूखा घास का तिनका छोटा सा, कैसे रड़कने लगता है, कैसे पानी बहने लगता है, कैसे आंखें लाल हो जाती है और तकलीफ होती है। उसी तरह अल्लाह वाहिगुरु राम सदगुरु मौला के अलावा कोई और आए तो कण की तरह रड़कने लग जाए, तो आप समझो वो साधक बन गए जो सदगुरु को, अल्लाह वाहिगुरु राम को बहुत ज्यादा पसंद हो और उसको कोई पसंद आ जाए, तो ये हो नहीं सकता। अंदर बाहर कोई कमी रह जाए, एक राजा को कोई पसंद आ जाए तो उसे हीरे जवाहरात सोने चांदी से माला माल कर देता है, और जो अल्लाह वाहिगुरु को राम को पसंद आ जाए, जरा सोचिए वो क्या कमी छोड़ेगा। पर उसकी पसंद निराली है ना, तो वो फुगरेपन पे आता है दिखावे पे, ना बड़ी बड़ी बातों पे आता है, ना वो पैसे पे आता है, ना वो गरीबी पे, ना अमीरी पे, ना धर्म जात मजहब पे, ना अलग तरह के कपड़े पहनने से, ना लीपा पोती पे। वो तो आता है सच्चे विचारों से, वो आता है शुद्ध भावना से, वो आता है सुमरण भक्ति इबादत से, वो आता है परहित परमार्थ से, अरे वो आता है उसके लिए तड़पने से, उसके लिए तड़पने के लिए। दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं कि आप उसके लिए तड़प रहे हैं। जब आप उसके लिए तड़पते हैं तो फिर बीच में कोई बिचौलिया नहीं होता, आप हैं और वो है, सीधी तार जुड़ जाती है, टीवी कनेक्शन हो जाता है तो झट से तस्वीरें आने लग जाती हैं। ये तो छू लो आप, बात कर लो, आजकल वो भी वीडियो कॉल भी होने लग गई, लेकिन आप उसको छू के महसूस नहीं कर सकते। ये आत्मा परमात्मा की जो वीडियो कॉल होती है ना, आप उसकी गोद में बैठ सकते हैं और रियल में बैठ सकते हैं, रियल में बात कर सकते हैं, उसकी बिल्कुल ही लाइव है। ऐसा साइंस से शायद पॉसिबल ना हो जो मालिक ने कब का पॉसिबल कर रखा है, जब से दुनिया साजी है। कोई भक्ति करे, इबादत करे, समाधि में गया और सीधा उसकी गोद में बातें करे, टच करे, सब पता चलता है, सब कुछ महसूस होता है, रियल रियल होता है, सिर्फ डुप्लीकेट नहीं होता। सच की आवाज को सब्सक्राइब करें, साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।